नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर पर। आजकल दोस्तों अभी जो सीज़न बदल रहा है ना, रेनी वेदर में जगह जगह पर पानी जमा होती है, तो इसके वजह से जो मॉस्किटो का डेवलपमेंट होता है, तो खास करके आप देखेंगे शहरों में डेंगू फीवर का बहुत कहर चलता है, जिससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं और इस प्रभावित होने के बाद लोग सीरियसनेस में चले जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं डेंगू फीवर क्या है। डेंगू फीवर दोस्तों जो होता है वो एक वायरल फीवर है और वो मॉस्किटो के काटने से होता है। मॉस्किटो जो होती है ना, ये फीमेल इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो से होता है। ये एडिस जो है एजिप्टी प्रजाति का भी होता है और अल्बिपिकस नामक एक प्रजाति होता है, जिसके वजह से काटने से होता है। यदि आपको कभी खुले जगह पर आप सो गए और ये मच्छर काट लिया, तो इसका बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 7 दिन होता है दोस्तों। 4 से 7 दिन में ये इन्फेक्शन पैदा करने के बाद आपको ये बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। पहला स्थिति जो होगा आपके, इसके जो लक्षण मिलेंगे वो हेडेक हो सकता है, सरदर्द हो सकता है, उसके बाद बॉडी एक हो सकता है, पूरे शरीर में बदन में दर्द होगा और फिर धीरे धीरे तेज दर्द होने लगता है दोस्तों। जब तेज दर्द होने लगता है तो शरीर अकड़न से होने लगती है, उसके बाद तापमान बढ़ने लगता है, टेम्परेचर इसमें हाई रेंज टेम्परेचर हो जाता है। इसकी टेम्परेचर 102, 103, 104 से ज़्यादा फ़ारेनहाइट होने लगता है दोस्तों। ऐसी जब कंडीशन होती है तो इंसान परेशान होने लगते हैं। इस कंडीशन में आप इमीडिएट आपको चिकित्सा लेनी चाहिए किसी नज़दीकी अस्पताल में जा करके, अच्छे कुशल चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप इसके कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों, जिसमें आप देखें कि यदि आपको एक्यूट कंडीशन में है, शुरुआती कंडीशन में हुआ है और आपको बुखार बहुत ज़्यादा है, बेचैनी है, तो आप इसके साथ एक आर्सेनिक दवा का भी इस्तेमाल करें, आर्सेनिक 30। और जो बोन सेट फेवर है, जब आपके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, बुखार तापमान 102-103 डिग्री हो रहा हो, उस कंडीशन की एक दवा है इपोटोरियम पर्फ 30। इतनी अच्छी दवा है दोस्तों कि आपको बहुत तेज बुखार है और दर्द है, तो इसको कम करने के लिए अलग से पैरासीटामोल भी नहीं लेनी पड़ती। ये इपोटोरियम पर्फ लेने से ही बुखार भी कम हो जाता है, दर्द भी कम हो जाता है और धीरे धीरे क्योर भी हो जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको कुछ और दवाइयाँ मैं बतला दूँ कि ये ले लेंगे तो साथ साथ आपको ठीक हो जाएगा। जैसे बायोकेमिक नंबर 11 है, वो लेने से आपके शरीर में बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है और तापमान में कमी मिलती है। साथ ही साथ यदि आपको बुखार की वजह से सर फटा हुआ जा रहा हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा हो, तो बेलाडोना 30 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेंगे। यदि बेचैनी बहुत ज़्यादा हो तो आर्सेनिक 30 सुबह, दोपहर, शाम लेंगे। और यदि इसके वजह से बहुत ज़्यादा सुस्ती हो गया हो तो साथ में जैल्सेमियम लेंगे, जैल्सेमियम 30 पोटेंसी सुबह, दोपहर, शाम। यदि इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा हो और मुंह थ्रस्टी कंडीशन हो रहा हो तो साथ में ब्राइनिया 30 सुबह, दोपहर, शाम लेंगे दोस्तों। और यदि किन्हीं किन्हीं कंडीशन में आपको नौसा एंड वोमिटिंग टेंडेंसी आ जाए, तो ऐसे कंडीशन के लिए एक अच्छी, बहुत अच्छी दवा यहाँ ईपीकॉक 30। ये दवा लेने से आपकी वोमिटिंग टेंडेंसी भी कम होती है और साथ ही साथ बाकी भी समस्या दूर हो जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि साथ में साथ कुछ मदर टिंचर भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। मदर टिंचर के रूप में आपको कालमेक क्यू, चिराटा क्यू यदि मिलाकर के पी लेंगे तो इससे शरीर में एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने में बहुत तेज़ी से मदद मिलता है दोस्तों। लीवर को प्रोटेक्ट करता है, हेपाटोप्रोटेक्टिव के रूप में यह काम हो जाता है। इससे आपको बुखार एंटी फीवर फ्यू के रूप में उतर जाता है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें कुछ और मदर टिंचर है, जिसमें आपको यदि किन्हीं को डेंगू होता है तो शरीर में प्लेटलेट की कमी होने लगती है। प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए, यदि 1 लाख से भी नीचे आ रहा है तो स्थिति गंभीर होने लगती है दोस्तों। फिर क्या होता है ना, चोट लग जाने जैसी स्थिति होती है, कहीं कहीं पर रेड पैचेज आने लगता है, नेजल ब्लीडिंग हो सकता है, किसी भी ऑरिफिसेस से ब्लीडिंग हो सकती है, तो समझ जाएं कि आपको प्लेटलेट कम हो गया है। उसके लिए आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, डेंगू का टेस्ट है, प्लेटलेट का काउंट करवाते रहें। और यदि गिर रहा हो तो साथ में होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा है करिका पपाया क्यू, इसको 20-20 बूंद 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेते रहने से आपको ये प्लेटलेट भी मेंटेन होता है, शरीर में बुखार की भी क्योर करने में मदद मिलता है। यदि आपको कैरिका पपाया क्यू ना मिले तो आप डायरेक्ट कच्चे पपीते के पत्ते का रस भी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जड़ें ले सकते हैं, ये सारे बहुत हेल्पफुल हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको लेना होगा ओसमम सेंक्टम क्यू। उसमें सेंटम क्यू तुलसी से बनी होती है, आप उसको भी लेने से आपको प्लेटलेट मेंटेन करने में बहुत मदद मिलता है। यदि उसमें सेंटम क्यू आपको नहीं मिल रहा है तो आपके घर के आंगन में तुलसी लगी हुई है दोस्तों, और वहाँ से भी आप ले सकते हैं तुलसी की पत्तियों का रस पीने से।
तीसरी महत्वपूर्ण होम्योपैथी की मेडिकल टिंचर है ओटिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया, जिसे गिलोई कहते हैं, अमृता के नाम से जाना जाता है। गिलोई को आप मदर टिंचर के रूप में भी ले सकते हैं, यदि नहीं उपलब्ध हो और डायरेक्ट आपको पौधा मिल रहा हो लता है तो आप उसके लता से भी कुचल करके उसको बॉयल करके रस को आप उसको सरस को लेंगे तो आपके शरीर में ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, बुखार को दूर करेगा और पूरी क्योर करेगा, साथ ही साथ आपको प्लेटलेट काउंट को ही गिरने से बचाए रखेगा और आप बहुत जल्दी दोस्तों 2 से 3 दिनों में आप इन सारी बड़ी से बड़ी परेशानियों से बहुत आसानी से छुट्टी पा लेंगे। दोस्तों इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हों आप सुरक्षित रहें, सेहत पर ध्यान दें, अच्छे खान पान रखें, पानी को गर्म करके पीने की आदत डालें इस मौसम में, और शुद्ध सात्विक भोजन लें, शाकाहार आहार लें ताकि आपका स्वस्थ को स्वस्थ बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी, और फल जूस लिक्विड सब्सटेंस की कमी नहीं हो, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, नारियल का डाब पिएं। जैसे ही तकलीफें हों किसी अच्छे और होम्योपैथी दवाइयाँ हों तो होम्योपैथी एक्सपर्ट के सलाह से ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे हम अगले सत्र में दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।